सांपों को लेकर हमारे समाज में कई रहस्यमयी कहानियाँ और मिथक प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से कितना सच है और कितनी सिर्फ कल्पनाएं हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के निवासी विकास त्रिवेदी को 40 दिनों में 7 बार सांप ने काटा। इस घटना ने लोगों के बीच एक बार फिर इस चर्चा को जन्म दिया कि क्या सांप की आंखें सच में फोटो खींच सकती है और अपने साथी की मौत का बदला ले सकती है। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए हमने बात की हजारीबाग के स्नेक एक्सपर्ट मुरारी सिंह से। मुरारी सिंह बताते हैं कि सांपों को लेकर भारत में कई धारणाएं और किस्से निराधार हैं। असल में सांपों की अधिकांश प्रजातियों की याददाश्त बेहद कम होती है या नहीं होती। वे मौजूदा परिस्थिति और जरूरत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। उसमें कोई मेमोरी चिप नहीं लगा हुआ है सांप में कि आपके फोटो को स्टोर कर लेता है। ये भ्रांति आई है कि लोग जब सांप को मारते हैं तो बोले उसकी आँख को खत्म कर दो, मतलब आंख में कोई चिप लगा है जो उसके फीमेल पार्टनर या उसका मेल पार्टनर जो है वो देख के फिर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। इस कहानी में यूपी वाली कहानी में आएगा, टर्न आएगा, कुछ दिन होने दीजिए, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। जितनी बातें कही जा रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है और सांप कोई मेमोरी जमा करके नहीं रखता है और आपका पीछा करके नहीं काटता है। सांप की देखने की क्षमता भी बेहद कम होती है, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, तो फोटो खींचने की बात पूरी तरह से मिथक है। विज्ञान में इस पर कई शोध किए जा चुके हैं जिन्होंने इन धारणाओं को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। मगर एक बात जो सच है वो है सांप की सूंघने की शक्ति। मुरारी सिंह बताते हैं कि सांपों के अंदर सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। अगर कोई सांप की हत्या करता है और हत्या में प्रयोग किया गया डंडा बिना साफ किए घर में रखता है तो सांप उस गंध के जरिए घर में आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना भी बेहद कम होती है। जो सांप आपके घर में घुस जाता है, कभी आपने सांप को मारा और उस दूसरा वही सांप घुस गया, यानी आप समझते हो उसका पार्टनर घुस गया, तो आप जिस डंडे से मारते हैं उस डंडे को धो के नहीं रखते हैं, तो कहानी वहाँ है। चिप नहीं है कि वो अपने फीमेल पार्टनर के आंख में देख के आपके पास पहुंच गया, नहीं, वो अपने फीमेल की गंध को पहचानता है। जब आपने डंडे से मारा तो आपने डंडा धोया नहीं, उस डंडे के स्मेल को पकड़ के वो आपके पास आ सकता है, ये थोड़ी सी ये संभावना है। लोकल 18 के लिए हजारीबाग से रूपांशु चौधरी की रिपोर्ट।